नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। फिर से आज एक नए टैबलेट का रिव्यू देखेंगे। इस ब्रांड का नाम है बीटाकार्ड AM। दोस्तों, आपको मैं कुछ भी बोर नहीं करूंगा, मैं आज आपको बताऊंगा कि हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन का इलाज कैसे करते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स कम रेट में मिलने वाली ये बीटाकार्ड AM टैबलेट लिखते हैं। यह हाइपरटेंशन का इलाज करने के लिए या हाइपरटेंशन यानी कि बढ़ा हुआ BP कम करने के लिए डॉक्टर इसके इस्तेमाल करने पर ज़्यादा जोर देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ती है। कॉस्ट है करीबन 27 रुपीज़ और 65 पैसा। दोस्तों, ये ब्रांड है टोरेंट का। बीटाकार्ड AM में है अम्लोडिपिन और अटेनोलॉल 550, ऐसा कॉम्बिनेशन है। ये बीटाकार्ड AM डॉक्टर क्यों लिखते हैं, इसके उपयोग कैसे करते हैं, इसे लेने के बाद सच में BP कम होता है कि नहीं, इसके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, हाइपरटेंशन यानी कि टेंशन बढ़ना या स्ट्रेस बढ़ना या BP बढ़ना, इसका मुख्य कारण है स्ट्रेस और अनियंत्रित खान पान, जो वैसे तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है लेकिन आमतौर पर घर से दूर रहने वालों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन होना। हाइपरटेंशन को ही उच्च रक्तचाप या फिर हाई BP कहते हैं। इसमें क्या होता है कि धमनियाँ जो होती है, धमनियों में ब्लड का दबाव उसके वाल पर बढ़ता है। ये दबाव की वृद्धि से रक्त की धमनियों में रक्त का प्रभाव बनाए रखने के लिए दिल को अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे कंडीशन में हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए यह हाई BP कंट्रोल करना आवश्यक है। हेल्थ गाइडेंस के द्वारा प्रमाणित किए गए हाई BP का या फिर ब्लड प्रेशर का कुछ मेजर है 130-80 mmHg इसे कहते हैं। ब्लड प्रेशर की श्रेणी में यह नॉर्मल माना जाता है। अगर इसमें कम ज़्यादा हुआ तो हाई BP या लोअर BP कहलाता है। इसका मुख्य कारण है मोटापा, नींद की कमी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराना, स्ट्रेस आना, नॉनवेज का अधिक सेवन या ऑयली फूड खाना। अब जान लेते हैं कि हाइपरटेंशन, हाई BP या फिर उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या है। अगर आपको हाइपरटेंशन है या उच्च रक्तचाप होने की स्थिति है तो वो कैसे पहचाने। व्यक्ति को शुरुआत में सिर के पीछे और गर्दन में दर्द रह जाता है। हाइपरटेंशन के रोगी को सांस लेने की तकलीफ भी होती है। इतने ही नहीं, व्यक्ति को कभी कभी धुंधला दिखाई देता है, पेशाब में खून निकलता है। यह हाई BP को ठीक जरूर करना चाहिए, नहीं तो हार्ट अटैक आने की शक ज़्यादा रहता है। सिर चकराना, थकान, सुस्ती जैसे लक्षण भी इसमें शामिल हैं। कई बार रात में नींद न आने के साथ दिल की धड़कनों बढ़ जाती है, तो तुरंत ये सिम्टम दिखते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और यह बीटाकार्ड AM टैबलेट डॉक्टर से ले, क्योंकि ये बहुत ही कम रेट में मिलती है। अब बात करते हैं इसके डोसेस की। इसे खाली पेट लिया जाता है सुबह सुबह, यानी कि नाश्ते से पहले आपको इसे लेना है। साथ में ये कहूँगा, ज़्यादा ऑयली फूड ना खाए, नमकीन चीज़ें ना खाए। मोटापा कंट्रोल करने के लिए जल्द से जल्द अपना हाथ आगे करें, तो एक ही टाइम में, और यानी कि एक टाइम उसको फिक्स करो, सुबह लेना है तो सुबह ले, दोपहर में लेते, मगर प्रेफर लिया जाता है कि नाश्ते से पहले डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ साइड इफेक्ट है जैसे कि एंकल स्वेलिंग, स्लो हार्ट रेट या नौसिया या डिजीनेस भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो दी जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर करना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।